मनिहारी प्रखंड प्रमुख पर लगा अविश्वास प्रस्ताव पारित। केटीएन न्यूज के सहयोगी श्याम वर्धन के अनुसार मनिहारी के प्रखंड कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड प्रमुख अनीता देवी पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की गई। उन पर लगे आरोपों पर उनसे जवाब मांगा गया और उनके जवाब द्वारा दिए गए जवाब से बैठक में सभी लोग संतुष्ट नहीं हुए, जिसके बाद वोटिंग कराई गई, जिसमें कुल 21 समिति सदस्य ने अपना मत डाला, जिसमें एक समिति सदस्य का मत रद्द हो गया और 11 सदस्य ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत डाला और 9 सदस्य ने अनीता देवी के पक्ष में मत डाला। इस प्रकार प्रखंड प्रमुख का पद रिक्त हो गया। मनिहारी की प्रखंड विकास पदाधिकारी छाया कुमारी ने बताया कि जब तक अगली मीटिंग होकर चुनाव की तारीख तय नहीं हो जाती, तब तक ये पद रिक्त रहेगी। प्रस्ताव को लेकर क्या क्या विशेष बैठक आउट की गई है। प्रखंड प्रमुख माननीय अनीता देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, उसमें जो आरोप लगाया गया था बिंदु बार उस पर चर्चा हुई है और इनके जवाब से सदन में लोग संतुष्ट नहीं थे, फिर वोट कराया गया। वोटिंग में 21 कुल 21 समिति हैं, 21 में एक लोगों का वोट रद्द हो गया है। इनको हटाने के पक्ष में 11 लोगों का मत आया है, वो इनको हटाना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव हाँ, और 9 लोग जो हैं इनके पक्ष में हैं कि ये रहे, एक का मत रद्द हो गया। इस प्रकार यहाँ पे प्रमुख का पद जो है रिक्त हो गया है। अब नेक्स्ट तिथि निर्धारित होने पर चुनाव होगा, फिर नए प्रमुख।